स्वागत है दोस्तों आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU पाठशाला पर। मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पेपर होगा 2016 का जनरल अवेयरनेस। हमारा पहला क्वेश्चन है इंडिया इज़ अ, हमारे ऑप्शन हैं सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी सोवरेन डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, या डी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। दोस्तों ये सवाल प्रीएम्बल से लिया गया है, तो सुनिए हमारा प्रीएम्बल कहता क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो है 22nd क्वेश्चन। एज एन अल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया गांधी जी सजेस्टेड टू माउंटबेटन दैट ही ए पोस्टपोन ग्रांटिंग द इंडिपेंडेंस, बी इनवाइट जिन्नर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, या सी इनवाइट नेहरू एंड जिन्नर टू फॉर्म द गवर्नमेंट टुगेदर, या डी इनवाइट द आर्मी टू टेक ओवर फॉर सम टाइम। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज गांधी जी इन्वाइटेड बोथ नेहरू एंड जिन्ना टू कम टुगेदर एंड फॉर्म एन गवर्नमेंट। गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो और अलग अलग जगह पर दंगे हों और लोग आपस में विभाजित हो जाएं, तो इसलिए उन्होंने दोनों को ही बुलाया। लेकिन ये बात जाहिर सी बात है, ना ही मुस्लिम लीग को मंजूर थी ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को मंजूर थी, तो इसलिए इस चीज़ को माना नहीं गया। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि द फर्स्ट राइटर टू यूज़ उर्दू एज अ मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन वॉज, पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा कवि है जिसने सबसे पहले उर्दू को इस्तेमाल किया एज अ मीडियम ऑफ राइटिंग द पोएट्रीज, यानी कि अपनी कविताओं को लिखने के लिए सबसे पहले उर्दू का इस्तेमाल किसने किया। दोस्तों उर्दू के बारे में कुछ बातें बता दूं कि उर्दू जो है वो एक कैंप लैंग्वेज थी जो कि दिल्ली में जिसका जन्म हुआ। कैंप लैंग्वेज तरीके से थी कि अलग अलग कंट्रीज़ के फ़ौजी आकर कैंप में रहा करते थे, वो अपनी अपनी भाषाओं में बात करा करते थे, लेकिन कभी कभी वो कोशिश करते थे कि हम अपने सामने वाले जो हमारा है हमारा साथी उसकी भाषा में भी बात करें। तो इसी भाषाओं के मेल जोल में एक नई भाषा बन गई जिसे उस वक्त नाम दिया गया रेख्ता, और जब वक्त आगे चलता गया तो उसी रेख्ता को बदलकर उर्दू नाम रख दिया गया जिसे हम आज जानते हैं। तो अमीर खुसरो पहले ऐसे पोएट थे जिन्होंने उर्दू को इस्तेमाल किया एज अ मीडियम ऑफ पोएट्री। दोस्तों अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के आठ सात जो हमारे एम्परर्स थे उनकी कोर्ट में एज अ कोर्ट पोएट रहे। और मिर्ज़ा गालिब का असली नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां बेग है। बहादुर शाह जफर को हम जानते हैं लास्ट मुग़ल एम्परर थे, और डी फैज़ अहमद फैज़ पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर मारूफ शायर गुजरे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है इसराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद, हमारे पास ऑप्शन हैं ए लेबनान सीरिया जॉर्डन एंड इजिप्ट, बी लेबनान सीरिया टर्की एंड जॉर्डन, सी सिप्रस टर्की जॉर्डन एंड इजिप्ट, डी टर्की सीरिया ईरान एंड यमन। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जब इसराइल और फिलिस्तीन का इशू हुआ तो जो माइग्रेंट्स थे जो माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में जा रहे थे तो वो कहाँ जा रहे थे, वो इजिप्ट में जा रहे थे। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इजिप्ट इसका सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर्स जब करीब होंगे या सटे होंगे तभी लोग माइग्रेट कर रहे थे वहाँ। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है द करेंसी ऑफ यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन इज़, यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन की करेंसी कॉमन करेंसी क्या है। यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन यूरोपियन कंट्रीज़ का ही एक ग्रुप है जो वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करता है, तो इसकी कॉमन करेंसी कौन सी हमारी है, यूरो। नाम से ही मालूम चल रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो यूरो हो सकती है। हमारा 26th क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज़ पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाई, यानी इकोनॉमिक सर्वे हिंदुस्तान में हर साल कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या डी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये आजकल किसके हाथों में है, श्री निर्मला सीतारमन जी के हाथों में है। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। और बी ऑप्शन जो हमारा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इसको बदल कर अब नीति आयोग कर दिया गया है। आई होप क्लियर होगा। चलते हैं अपने 27th क्वेश्चन की तरफ जो कहता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंडियाज़ पोटेंशियल एंड साइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में
अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सी हैं टूरिज़म के लिए, हमारे पास टेम्पल्स हैं, हमारे पास अलग अलग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे पास बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, हमारे पास कश्मीर है, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया में टूरिज़म इंडस्ट्री का उतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? तो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमारा सही ऑप्शन इसमें से हो जाएगा डी, दैट इज़ इन इंडिया द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग द टूरिस्ट इज़ अनएडुकेट। यानी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़रूरी है टूरिस्ट को इन्वाइट करने के लिए, वो हमारे पास कम है। अगर हमने इस पर काम किया तो हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स होल्ड द रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट स्कोर इन द क्रिकेट टेस्ट मैच इनिंग बाई एन इंडियन। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा VVS लक्ष्मण। और सचिन तेंदुलकर के बारे में हम लोग जानते हैं कि 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज मारने का रिकॉर्ड इनके पास है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। इन निम्नलिखित लोगों में से भारत रत्न किसको नहीं मिला है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी को भारत रत्न नहीं मिला हुआ था, ये एक लेजेंडरी एक्टर थे। हमारे अलग ऑप्शन हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां, ये शहनाई वादक थे। बी सत्यजीत रे, लेजेंडरी फिल्म मेकर। ऑप्शन नंबर सी लता मंगेशकर, हर कोई जानता है, सिंगर हैं। हमारा 30th क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट। हमारे पास ऑप्शन हैं नीड नॉट नेसेसरी बी ए मेम्बर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बी नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेम्बर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेम्बर ऑफ लोकसभा विद इन 6 months, या सी मस्ट बी ए मेम्बर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या डी मस्ट बी ए मेम्बर ऑफ लोकसभा। दोस्तों अगर कोई ऐसी पार्टी है जो मेजोरिटी में है वो जीत गई लेकिन उसका जो लीडर ऑफ द पार्टी होता है वो हार गया, तो वो लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर तो बन जाएगा लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा में अपनी जीत घोषित करनी पड़ेगी। तो ये हमारा इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 30th का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए गुजरात है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, बी इंदिरा गांधी कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया, बिल्कुल सही। सी कहरबुड़े इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में सबसे जो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है वो कौन सी है? पीर पंजाल टनल है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन जो हमारा है कि कोवलाम इज़ द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, 32nd क्वेश्चन हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि द ग्रेटर हिमालयाज रिसीव मोर रेनफॉल दैन दैट ऑफ द लेसर हिमालय, या सेकेंड स्टेटमेंट द रेट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज मोर इन लेसर हिमालयाज दैन दैट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जो हमारा ग्रेटर हिमालयाज है वो कम रेनफॉल रिसीव करता है इन कंपेरिजन टू द लेसर हिमालयाज। दोस्तों ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री रीजन को कहते हैं और लेसर हिमालय जो हमारा हिमाचल का रीजन है उसे कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट कोल रिजर्व। सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व किस स्टेट के पास है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी झारखंड। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व है। हमारा 34th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? सब लोग जानते हैं नेशनल हाईवे नंबर 7 सबसे लंबा नेशनल हाईवे हमारा है। अच्छा दोस्तों आप लोग को ये बताना है कि शेर शाह सूरी मार्ग जो है वो किस नेशनल हाईवे पे आता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। 35th क्वेश्चन हमारा है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इज लोकेटेड एट। जो हेडक्वार्टर है सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का वो हमारा कहाँ पर लोकेटेड है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा हुबली। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें बैंगलोर और हैदराबाद, तो बैंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं और हैदराबाद जो हमारा है द सिटी ऑफ चार मीनार है। 36th क्वेश्चन देखते हैं अपना कि द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज इन द स्टेट ऑफ, यानी सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लोग किस स्टेट में रहते हैं? ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, या डी वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर हम करंट डाटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। तो इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन वेस्ट बंगाल हो जाएगा। 37th क्वेश्चन है हमारा द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इज़ इन द स्टेट ऑफ। सबसे कम
महिला साक्षरता दर पूछ रहा है, ओवरऑल नहीं पूछ रहा है, सिर्फ फीमेल लिटरेसी रेट पूछ रहा है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कम फीमेल लिटरेसी रेट है। और अगर ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे नीचे पायदान पर पाया जाता है और केरला सबसे ऊँचे पायदान पर पाया जाता है। 38th क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, कि इन सब में से रूरल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अमंग द ग्रेजुएट्स, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम है वो किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रमोट करती है, तो इससे कुछ रिलेशन मिलता नहीं है हमारा ग्रेजुएट्स का। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुज ऑटोबायोग्राफी इज सबटाइटल्ड एज सबस्टेंस एंड शेडो, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दिलीप कुमार, दिलीप कुमार के ऑटोबायोग्राफी का नाम सबस्टेंस एंड शेडो था, और APJ अब्दुल कलाम के ऑटोबायोग्राफी का नाम हम सब जानते हैं विंग्स ऑन फायर था। 14th क्वेश्चन देखते हैं कि द कैपिटल सिटी ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड तेलंगाना स्टेट इज इन, यानी जो हमारा नया क्रिएटेड स्टेट है तेलंगाना, उसकी कैपिटल सिटी कहाँ पर है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेट मी टेक इट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर मेंशनड इन, ऑप्शंस हैं ए 28 एंड 29, बी आर्टिकल 29 एंड 30, सी 30 एंड 31 या डी 28 29 एंड 30। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 30 एंड 31 यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आर्टिकल 29 क्या डील करता है कि इट प्रमोट्स इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी कैसे भी हो सकती है, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 42nd क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, ये पुराना क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो तब का ये सवाल है, उस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरना अब हम लोग एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में जानते हैं। 43rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ए डेमोक्रेसी, बी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉट एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल दिस थ्री ऑप्शन दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। लेट्स से व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, लेकिन डेमोक्रेसी खुद एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अपना 44th क्वेश्चन देखते हैं, हु सर्व्ड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किसने अपनी सर्विस दी थी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा सर्व्ड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 45th क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑन फायर, हम देख चुके हैं पहले ही कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अराइज इन सेंसेक्स मीन्स, 46th क्वेश्चन हमारा है कि अराइज इन सेंसेक्स, सेंसेक्स में अगर राइज होता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी, कि एन ओवरऑल राइज इन प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो एजेंसी है जो सेंसेक्स से डील करती है, तो जितने भी कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, अगर सेंसेक्स राइज करेगा उसका मतलब ये होगा कि उन सारी कंपनीज के शेयर्स जो होंगे वो भी राइज कर जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हमारा ऑप्शन सी सही था इसमें। 47th क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि जैद बिन सुल्तान अल नहयान वॉज अ लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कि जो जैद बिन सुल्तान अल नहयान थे वो किस कंट्री के सबसे लार्जेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे। तो हमारे पास ऑप्शन हैं ओमान, कुवैत, UAE या सऊदी अरब। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा UAE यानी यूनाइटेड अरब इमीरात्स, और ये कम से कम 30 साल तक राष्ट्रपति बने हुए थे लगातार। 48th क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला, टू देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर द स्टेटमेंट वन नॉर द स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। 49th क्वेश्चन देखते हैं अपना, द टर्म ऑफ लोकसभा ए
कैन बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, बी कैन बी एक्सटेंडेड बाई 6 months एट अ टाइम, सी कैन बी एक्सटेंडेड बाई 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, या डी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 years एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि अगर इमरजेंसी लगती है तब क्या हो सकता है, हमारा जो सेशन या टर्म ऑफ लोकसभा है वो 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसका एग्जांपल हम लोग ने 1976 में देख लिया है कि जो इमरजेंसी के दौरान इसको एक्सटेंड किया गया था 1976 में अंडर द रजीम ऑफ इंदिरा गांधी। 15th क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज द हिंदी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज, तो वो कौन से पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपनी टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए हिंदी का इस्तेमाल किया। तो हमारे पास 4 options हैं, दादू, कबीर, रामानंद या तुलसीदास। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास ने अपनी टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए सबसे पहले हिंदी का इस्तेमाल किया। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि तुलसीदास किसकी कोर्ट, किसके, किस बादशाह की कोर्ट में पोएट थे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। 51 क्वेश्चन हमारा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें बी। आप लोग इसको मैच कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अपने 52nd क्वेश्चन की तरफ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सर्विस टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स लिव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी इनडायरेक्ट टैक्स लिव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सी डायरेक्ट टैक्स लिव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या डी इनडायरेक्ट टैक्स लिव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो सर्विस टैक्स हमारा था वो एक इनडायरेक्ट टैक्स था जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे लेती थी, लेकिन 2016 में ही इसे एक नए अमेंडमेंट के तहत हमारे पास GST लाया गया है, और ये जो सर्विस टैक्स था उसको अब रिप्लेस किसने कर दिया है, GST ने, जो कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी 2016 में ही आया था और ये सवाल 2016 के हिसाब से पूछा गया था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया, कि इन ऑप्शंस में से श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। दोस्तों श्रिम्प का मतलब होता है झींगा, जो हम जानते हैं झींगा जो पानी में होता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जिस स्टेट में या जिस जगह पर जिस सिटी में होता है वहाँ पर, तो उसे हम उसका श्रिम्प कैपिटल मान लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, नेलोर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एज अ श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। 54th क्वेश्चन हमारा है, इंडिया हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज, हमारे संविधान में इंडिया को किस नाम से डिस्क्राइब किया गया है, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 54 देख रहे हैं हम लोग, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि इंडिया को अ यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। सॉरी मैंने कहा कि किस नाम से डिस्क्राइब किया गया है, ये किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है ये चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स होते हैं, तो इंडिया को यहाँ पर एक यूनियन ऑफ स्टेट की तरह डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पर क्वासी फेडरल जो लिखा हुआ है ये एक क्रिटिसिज्म था, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट गुजरे हैं केसी वेयर, तो उन्होंने इंडिया को एक क्वासी फेडरल कहा था। 55th क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो किन स्टेट्स के साथ उत्तर प्रदेश शेयर करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 3 and 4, यानी कि पंजाब को छोड़कर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर सकते हैं, शेयर करते हैं। 56th क्वेश्चन हमारा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर, यानी हमारे संविधान में प्रोवाइड किया गया है क्या चीज़, अब देखते हैं, सिंगल सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप, मल्टीपल सिटीजनशिप या नन ऑफ द अबव। देखिए सिटीजनशिप तो सबको दी गई है, जो भी भारत का नागरिक है 4 तरीक़ों से मिलती है सिटीजनशिप, और हमको ये देखना है कि सिंगल सिटीजनशिप मिलती है या डबल मिलती है या मल्टीपल मिलती है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि मल्टीपल सिटीजनशिप और डबल सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हमें देखने को मिलता है अमेरिका में, और अमेरिका में डबल सिटीजनशिप मिलती है, एक तो वो अमेरिका का सिटीजन है और वो दूसरा अमेरिके के जिस स्टेट में होता है वो वहाँ का भी सिटीजन माना जाता है, तो अमेरिका में एक तरीके से डबल सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, और ये एक तरीके से यूनिटी को प्रमोट करता है हमारी सिंगल सिटीजनशिप। अपना 57th क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग सिटीज़
विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे करीब इनमें से इन निम्नलिखित सिटीज़ में से कौन सी सिटी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता सबसे करीब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। आप लोग प्लीज़ कमेंट कर ये बताएं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन किन स्टेट से होकर गुजरता है। 58th क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। तो सही हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सबको पता है ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटका। अगर दूसरे ऑप्शन देखें हम केरला को देख लें तो केरला में सबसे ज़्यादा पीपर उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो पीपर का होता है। 59th क्वेश्चन देखते हैं अपना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। इन ऑप्शंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है किस स्टेट में है इंडिया के। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मिज़ोरम। वैसे तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास है। अपने 60th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को पढ़ना है और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ओडिशा इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैगनीज, या बी हमारा ऑप्शन बी क्या है, कर्नाटका इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, क्योंकि ओडिशा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैगनीज है और कर्नाटका जो है आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अकॉर्डिंग टू 2016 एंड नाउ ऑल्सो। दोस्तों ये यहाँ पर हमारी ये पहला वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।